अब बात करते हैं बेटा डेफिसिट डिमांड का ही जो दूसरा नाम है, अगर मैं कहूँ डेफिसिट डिमांड वाले कॉन्सेप्ट का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है बेटा, आपको डिफ्लेशन वर्ड आपको सबको पता है कि क्या होता है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जितनी इनकम जनरेट होनी चाहिए थी, इनकम उससे क्या है, कम है। ठीक है बेटा, इनकम कम क्यों होती है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है, ये पता है ना सब आपको। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर का फ्लो कम हो जाता है तो हमारी इनकम भी कम हो जाती है। इसी को यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप के अंदर बताया गया है। पिछले वाला ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सेम है, पिछले वाली जो कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। तो देखिए डिफ्लेशनरी गैप उसने क्या बताया, दिस इज माय ग्राफ राइट, यहाँ पर हमारा एडीएफ यानी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज एडीयू एट अंडर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, और बेटा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्योंकि हम चाहते क्या है बेटा, हम चाहते हैं इस लेवल का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इस लेवल का एडी होना चाहिए। लेकिन बच्चा अभी हम अचीव कितना कर पा रहे हैं, हम अचीव कर पा रहे हैं के लेवल का एग्रीगेट डिमांड। तो बच्चा देखो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर मैं इस वाले लेवल की बात करती हूँ तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। तो यहाँ पर हमारी डिमांड कम हो गई, तो बेटा इन दोनों के डिफरेंस को, यानी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड डिफरेंस बिटवीन पॉइंट के इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी प्रेशर। दिस इज द डिफ्लेशन, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इतना डिफ्लेशन आ चुका है, इतनी हमारी डिमांड कम है। ठीक है, तो ये डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं इसको, इसको डिफ्लेशनरी प्रेशर भी बोलते हैं, एंड ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सेम है। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं बेटा। कहता है डिफ्लेशनरी गैप एंड इट्स मेजरमेंट, डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एडी करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर्ड एडी करस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट जी और के की बात कर रहा है, क्लियर। आगे कहता है डिफ्लेशनरी गैप इज द शॉर्टफॉल इन एडी फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इन सच अ सिचुएशन देर इज एन इनवॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बच्चा वॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताई थी क्लास के अंदर, वॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जहां पर जो हमारा अनएम्प्लॉयड बंदा है वो अपनी मर्जी से घर बैठा है। ठीक है, तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट में काम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं इनवॉलेंट्रीली की। इनवॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से होती है बेटा, वो हमारी इकोनॉमी की वजह से होती है, यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर इतने रिसोर्सेज या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सब बंदों को जो भी काम करना चाहते हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाए, एंड ये हमारी इकोनॉमी की इनएफिशिएंसी को शो करती है। तो बच्चा यहाँ पर वो इसी पॉइंट्स की बात कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी गैप है, वही गैप हमारा डिफ्लेशनरी प्रेशर है, वही गैप डिफ्लेशनरी गैप है, और ये गैप उसको रिप्रेजेंट करता है जो हमारी इनवॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है। ठीक है, सेम वही जीके इज द डेफिशिएंट डिमांड राइट, डिफ्लेशनरी गैप भी उसको कहते हैं एडीएफ माइनस एडीयू। ठीक है, एडीएफ आपको पता है फुल एम्प्लॉयमेंट एट एडी, एडीयू आपको यहाँ पर मैंने बताया था अंडर एम्प्लॉयमेंट एडी, और डिफ्लेशनरी गैप क्या है, एडीएफ माइनस एडीयू यानी जी के। वॉट इज जी के, दिस इज दी जी के। ठीक है।